hello everyone welcome back again today we are going to discuss our next topic and that is properties of multiplication of decimals uh, so these properties are very important and are quite similar as we have discussed in property uh, in large numbers we have discussed them in fractional number and now we are going to discuss them in uh, decimal numbers सो so, वैसे तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं हर केस में सेम ही होती हैं बट वी हैव टू डिस्कस ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेनएवर वी मल्टीप्लाई द टू डेसीमल नंबर्स इन आइदर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम यानी अगर आप दो डेसिमल नंबर्स को लें और किसी भी ऑर्डर में उन्हें मल्टीप्लाई करें तो जो आपका रिजल्ट है जो आपका प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम आता है तो यही सेम प्रॉपर्टी हमने फ्रैक्शंस में भी की थी यही सेम प्रॉपर्टी हमने लार्ज नंबर्स में भी की थी तो अब हम इस प्रॉपर्टी को डेसीमल नंबर में चेक करते हैं सो फॉर दिस लेटस्ट टेक फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई वन पॉइंट टू और 1.2 मल्टीप्लाई 4.5 आप कोई भी ऑर्डर लीजिए आपका जो रिजल्ट है वो सेम होगा सो लेटेस्ट चेक 4.5 को मल्टीप्लाई 12 1.2 से करना है तो हम करेंगे 45 फाइव इंटू आर आंसर इज 540 एंड वी हैव टू प्लेस डेसिमल टू डिजिट बिफोर ओके okay, अगर आप ट्वेल्व मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव करते हो तब भी हमें पता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो फाइव हंड्रेड फोर्टी ही आएगा ठीक है सो वंस अगेन प्लेस द रेसिमल एंड इन बोथ केसेस द रिजल्ट इज सेम सो वी कैन से दैट फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई वन पॉइंट टू इज इक्वल टू वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई फोर पॉइंट Five, okay so we can say that whenever we multiply two decimal numbers in either order the result will be same or the product remains same सो कमिंग टू आर आर नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ वेरी वेरी इजी दैट वैन एवर वी मल्टीप्लाई और डेसीमल नंबर बाय ज़ीरो वी ऑलवेज़ गेट जीरो तो यही सेम प्रॉपर्टी फ्रैक्शंस में भी होती थी जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं वी ऑलवेज गेट ज़ीरो ओके सो वैन एवर वी मल्टीप्लाई एनी डेसीमल नंबर बाय ज़ीरो वी गेट ज़ीरो सो दिस इज़ आर सेकेंड प्रॉपर्टी Now the third one, third one is whenever we multiply any decimal number by one, our result will remain same. Yeah, we'll get the same number again. For example, if we are multiplying 1.77 by one. We will get 1.77. So this is the third property okay so these are the three properties basically uh, of decimal numbers multiplication of decimal number first whenever we multiply two decimal number in either order results remain same uh, whenever we multiply a decimal number with zero we always get zero whenever we multiply a decimal number with one we get the same decimal number again now here we have few questions which are based upon this property so let us solve them first one is 0.5 sorry 0.8 multiply 0 is equal to 0 why because we are multiplying the number with 0 okay next one this is the product of two decimal numbers so i want द टू डेसीमल नंबर्स ऑन द टू सेम डेसिमल नंबर्स ऑन बोथ साइड मतलब जो दो नंबर यहाँ होंगे वही दोनों नंबर राइट साइड में होंगे सो वन पॉइंट एट इज प्रेजेंट विच वन इज एबसेंट हेयर दिस वन सो वी कैन से दैट फिफ्टीन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाय वन पॉइंट एट अब यही दो नंबर हमारे राइट साइड में भी होने चाहिए फिफ्टीन पॉइंट फाइव इज देअ सो विच नंबर वी हैव टू राइट वन पॉइंट एट ओके

our answer will be 0 because whenever we multiply any number by 0 we always get 0 so these are few properties of multiplication of decimals so in this way we are using these properties in our calculation so do practice of these properties thank you and have a nice day